मकान की तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग, आग की लपटें देख मचा हाहाकार। इटावा के भड़थना कोतवाली कस्बे के मोहल्ला सिंधी कॉलोनी में संचालित कृष्णा कुटीर लॉज से सटे एक घर की तीसरी मंजिल के कमरे में मंगलवार की रात्रि 9 बजे शौर्य ऊर्जा के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेज थी और काला धुआं देखकर सिंधी कॉलोनी सहित आसपास के इलाके में हाहाकार मच गया। उक्त घटना से भयभीत लॉज के पड़ोसी अनु बरियानी पुत्र स्वर्गीय राम बरियानी ने सहायता के उद्देश्य से जवाहर रोड के समाज सेवी सभासद निहालुद्दीन को जैसे ही अवगत कराया, जिनकी सूचना पर ग्राम भैसाई कार्यालय से फायर ब्रिगेड मशीन पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर मात्र 10 मिनट के अंदर पहुंच गई और फायर कर्मियों ने जान की बाजी लगाकर तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग को करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अग्निपीड़ित कृष्णा कुटीर लॉज व गृह स्वामी पूर्व सभासद व समाज सेवी गुरुदीप सिंह ने ये बताया कि उनके लॉज से सटे आवास की तीसरी मंजिल पर लगे सौर ऊर्जा के पैनल के शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से एक कमरा व एक बड़े हॉल में भीषण आग लगी थी। भीषण आग पर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बड़ी सक्रियता और सूझबूझ से काबू पा लिया। भीषण आग में सौर ऊर्जा पैनल के रखे कई बड़े बड़े बैटरा, एसी मशीन के अलावा कुछ कीमती सामान जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना पर नगरपालिका अध्यक्ष अजय यादव गुल्लू, समाज सेवी सुरेंद्र यादव, वार्ड सभासद शिवा यादव, गोरल दास सिंधी आदि ने घटना स्थल पर पहुंचकर अग्निपीड़ित को ढाढ़स बधाते हुए जाबाज फायर कर्मियों के कार्य की जमकर सराहना की। मेरा नाम भरत सिंह है। बताया गया उसमें जो गेस्ट हाउस में आग लगी हुई है, उसकी सूचना मिलते ही शीघ्र हम जो घटनास्थल पर के लिए रवाना होकर घटनास्थल पर पहुँचे। रूप था आपको आनंद पानन में शीघ्र ही उसे शांत किया, कम से कम आधा घंटा से ऊपर ही समय तक किया।